योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना, जब योगी जी को पता चला कि हम पर गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी। FIR के बाद भी नहीं हो रही नरसिंहानंद की गिरफ्तारी। नरसिंहानंद ने खुद बताई वजह, सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। कथित हिंदू धर्म संसद में विशेष समुदाय के नरसंहार की बात हुई, जिस पर लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कथित हिंदू नेता कालीचरण ने भी महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन लोग अब भी सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय के खिलाफ नरसंहार का ऐलान करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बदकिस्मती, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब कालीचरण की गिरफ्तारी हो सकती है तो नरसिंहानंद की क्यों नहीं हो सकती। इसका जवाब खुद नरसिंहानंद ने एक रिपोर्टर को दिया है। ट्विटर यूजर कौशिक राज के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब रिपोर्टर नरसिंहानंद से कहता है कि योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की बात करते हैं और आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की नेतृत्व वाली सरकार आप पर गुंडा एक्ट लगा देती है, जिसके जवाब में नरसिंहानंद कहते हैं कि हम योगी जी का समर्थन करते हैं और हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। रिपोर्टर पूछते हैं कि फिर भी कोई कारण तो होगा गुंडा एक्ट लगने का। जवाब में नरसिंहानंद कहते हैं कि जब योगी जी को पता चला गुंडा एक्ट का तो अफसरों पर कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पर गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पर गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है और लोग इस पर जमकर रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार मोहम्मद जुबैर वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि यही कारण है कि स्मृति ईरानी सहित भाजपा की महिला नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए कई FIR के बाद भी UP पुलिस यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये जानता है कि गाजियाबाद पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कभी हिम्मत नहीं करेगी। ट्विटर हैंडल डार्क वर्ल्ड से लिखा जाता है कि कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है और यहाँ पे हम लोग इसे अरेस्ट करने को पुलिस हैंडल्स को टैग करते रहते हैं। पत्रकार साक्षी जोशी लिखती हैं कि इन लोगों ने अब सबका काम आसान कर दिया। पहले जो हिंदू और हिंदुत्व को एक सा बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, इस कालीचरण एपिसोड से इन्होंने खुद ही साफ कर दिया कि हिंदू शांतिप्रिय, अहिंसावादी, गांधीवादी है और हिंदुत्ववादी हिंसात्मक, आतंकी, गोडसेवादी है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि कालीचरण के मुद्दे से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।